ये सच्ची कहानी 1870 की है, जब भारत पे अंग्रेजी हुकूमत का कब्जा था। अंग्रेज सरकार ने जगह जगह सैनिक टुकड़ियां तैनात की हुई थी। वहीं राजस्थान में कैप्टन जॉन को सैनिकों की पलटन की कमान संभाली हुई थी। पलटन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। राजस्थान के एक छोटे कस्बे भानगढ़ में हरिया नाम का एक किसान रहता था। एक दिन जब वह खेतों में काम कर रहा था, तभी उसकी बेटी वहां आ गई। उसका नाम छाया था। छाया बहुत ही सुंदर लड़की थी। वह अपने पिता के लिए दोपहर का भोजन लेकर आई थी। चलिए बाबा, खाना खा लीजिए। हरिया अपनी बेटी के साथ भोजन करने के लिए खेतों के पास ही लगे पेड़ों के पास चला गया। वह दोनों घने वृक्षों की छाया में बैठकर भोजन करने लगे। जब हरिया ने अपना भोजन समाप्त कर लिया, तो छाया बोली, बाबा एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो बेटी। ये गोरे लोग हमारे लोगों पे इतना जुल्म क्यों करते हैं? क्योंकि वो गोरे हैं और हम भूरे, इसीलिए ये हमें कीड़ों मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझते। उधर कैप्टन जॉन को उसके सीनियर कैप्टन स्मिथ ने एक खुफिया बंकर में बुलाया। वहाँ एक व्यक्ति सलाखों के पीछे कैद था। सुनो मिस्टर जॉन, भानगढ़ से बगावत की शिकायतें आ रही हैं। तुम अपनी फल्टन के साथ वहाँ जाओ और वहाँ की रिपोर्ट दो। यस सर, आई रिपोर्ट यू सून। अपने सीनियर का हुक्म पाकर जॉन वापस अपनी पल्टन के पास आ गया और उन्हें आदेश देते हुए बोला, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारा फल्टन आज रात को भानगढ़ की ओर कूच करेगा। एनी क्वेश्चन? नो सर। कैप्टन जॉन अपनी पल्टन के साथ उसी वक्त भानगढ़ के लिए रवाना हो गया। उधर भानगढ़ के जंगल में छाया भोजन पकाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। तभी कैप्टन जॉन अपनी टुकड़ी के साथ वहां से गुजरा। घनी झाड़ियों की वजह से उन्हें छाया नहीं दिखी। हमें इस बगावत को किसी भी हालत में डुबाना है, तभी हमारा पोस्टिंग लंदन में होगा। तभी एक सिपाही की नजर छाया पे पड़ी। आहिस्ता बोलिए सर, हमें लगता है वहाँ कोई छिपा हुआ है। हे लड़के, तुम इधर क्या कर रहा है? छाया ने पहले कभी गोरे सैनिकों को नहीं देखा था, इसीलिए इतने सैनिकों को इकट्ठा देखकर वह एकदम डर गई। जी मैं कहे, तुम ब्लडी भागियों की जासूसी तो नहीं कर रही? अभी तुम यहाँ छिप कर हमारा भाते सुन रहा था, तुम्हें इसका पनिशमेंट मिलेगा। जॉन छाया की ओर बढ़ने लगा और झाड़ियों के पीछे जाकर उसे पकड़ लिया। जॉन छाया को घने जंगल में ले गया और उसके साथ कुकर्म करने लगा। वह चीखती चिल्लाती रही, परंतु जॉन पे इसका कोई असर नहीं हुआ। जॉन के बाद उसके सारे सैनिकों ने भी छाया के साथ अपने जिस्म की प्यास बुझाई। वे उसे अधमरा छोड़कर भाग गए। छाया बेहोश हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया, तो उसके बदन में भयंकर दर्द हो रहा था। वो किसी तरह उठ खड़ी हुई और रोने लगी। इन गंदे लोगों ने मुझे अपवित्र कर दिया। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मुझे माफ कर देना बाबा, मैं जा रही हूँ। छाया भरे मन के साथ वहां से आगे बढ़ने लगी। वो एक तालाब के पास पहुंच गई। उसने पानी में छलांग लगा दी। छाया का पार्थिव शरीर तालाब की सतह पे जा लगा।
तब छाया की आत्मा प्रकट हो चुकी थी। वो बदले की आग में जल रही थी। उधर जब संध्या तक छाया अपने घर नहीं पहुंची, तो उसके पिता को चिंता होने लगी। वो उसे ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़े। वो जब अपने खेतों के पास पहुंचे, तो उसे उसका पड़ोसी भुवन दिखाई दिया। क्या तुमने मेरी बेटी को कहीं देखा है? नहीं तो मैं तो अभी अभी काम से लौटा हूँ। क्या हुआ? वो जंगल में गई थी लकड़ियां लेने, अभी तक वापिस नहीं लौटी। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ उसे ढूंढने के लिए। अब वे दोनों मिलकर छाया को ढूंढने चले गए। छाया बेटी, कहाँ हो तुम? छाया, छाया, कहाँ हो तुम? छाया। उन्हें कहीं भी उनकी बेटी नहीं मिली। थक हार कर वे दोनों वापस अपने गांव आ गए। उसी रात जब एक सैनिक अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने चुड़ैल खड़ी देख उसके होश उड़ गए। चुड़ैल ने तलवार से उस पे वार कर दिया। वह घायल होकर जमीन पे गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अगली सुबह एक सैनिक दौड़ा दौड़ा कैप्टन जॉन के पास आया। कैप्टन, कैप्टन। जॉन सिपाही की ओर मुड़ा और बोला, क्या हुआ? तुम इतना डरा हुआ क्यों है? सैनिक ने जॉन को रात वाली सारी घटना विस्तार से सुना डाली। ये जरूर उन गांव वालों का काम है। तुम अभी वहाँ जाओ, जो भी करना पड़े करो, लेकिन उस कातिल को ढूंढकर मेरे पास ले आओ। कैप्टन का आदेश पाकर कई सैनिक गांव में चले गए। वे गांव वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे। रात को जॉन अपने कक्ष में सो रहा था कि तभी ओ अंग्रेज, बड़ी चैन की नींद सो रहा है, उठ कर देख, तेरी मौसी सामने खड़ी है। शोर सुनकर जॉन की नींद खुल गई। वह उठकर बैठ गया। सामने चुड़ैल का साया देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? परंतु चुड़ैल ने उसे कुछ नहीं कहा और गायब हो गई। शायद वह जॉन को भयभीत देखना चाहती थी। उसी वक्त एक सैनिक जॉन के कक्ष के बाहर पहरा दे रहा था। कितने जोर के सुसू लगा है, अभी हल्का होकर आता हूँ। वह मूत्र विसर्जन करने झाड़ियों के पीछे चला गया। जब वह मूत्र विसर्जन करके वापस आया कि तभी सैनिक की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे सैनिक की मौत के बाद डरा हुआ जॉन अपने सीनियर कैप्टन स्मिथ के पास गया। वेल डन जॉन, तुमने इतनी जल्दी भागियों का पता भी लगा लिया। एक्चुअली सर, वो क्या तुमने भागियों को पकड़ा? नहीं सर, वो बात ये है, मुझे भूत चुड़ैल दिखाई दे रहे हैं। प्लीज आप मेरी पोस्टिंग लंदन में कर दीजिए। क्या तुम पागल हो गया है? भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता, और रहा बात लंदन की पोस्टिंग का, वो तुम भूल जाओ। जब स्मिथ ने जॉन की पोस्टिंग लंदन करने से मना कर दिया, तो वह मदद मांगने के लिए एक साधु बाबा के पास चला गया। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हमें खुलकर बताओ बच्चा, क्या परेशानी है? जॉन ने साधु बाबा को छाया के साथ किए गए कुकर्म की सारी बात सुना दी। जॉन की बात सुन साधु बाबा क्रोध की अग्नि में जल उठे।
अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? इतना घोर अपराध, जो अन्याय तूने किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। बाबा की मदद ना मिलने से जॉन बहुत निराश हो गया। वो वापस अपने घर की ओर चला गया। अब खुद मुझे ही कोई सलूशन ढूंढना पड़ेगा। अब जॉन ने अपनी मदद खुद ही करने का फैसला किया, इसीलिए वह रुपयों से भरा बैग लेकर कैप्टन स्मिथ के पास चला गया। उसने वह बैग स्मिथ के हवाले कर दिया। स्मिथ ने उसकी पोस्टिंग लंदन में कर दी। लंदन जाने के लिए जॉन अपना सामान लेकर बंदरगाह पे चला गया। होली क्राइस्ट, आपने मुझे बचा ही लिया। अगर मैं कुछ दिन और यहाँ रुक जाता तो मेरे सैनिकों की तरह मैं भी लाश बन चुका होता। वो अभी जहाज का इंतजार कर ही रहा था कि अचानक वहाँ छाया की आत्मा प्रकट हो गई। उसे देखकर जॉन भयभीत हो उठा। ओ नो, अब ये कहाँ से आ गई? जीसस क्राइस्ट, प्लीज सेव मी। जीसस हमेशा भले लोगों की मदद करते हैं, तुम्हारे जैसे राक्षसों की नहीं। तू समुद्री जहाज में बैठकर लंदन जाना चाहता था ना? तो ले, अब तू वहाँ उड़कर जाएगा। प्लीज मुझे मत मारो, ये सारे पैसे भी तुम रख लो। अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। और हाँ, मैं चाहती हूँ मरने से पहले तू एक बार मेरा असली रूप दोबारा देख, ताकि जहन्नुम की आग में जलते वक्त तुम्हें मेरा चेहरा याद रहे। तभी चुड़ैल बनी छाया अपने असली रूप में प्रवर्तित हो गई। जॉन डर के मारे कांपने लगा। छाया की आत्मा ने अपनी शक्ति से जॉन को हवा में उछालकर आसमान की ओर फेंक दिया। जॉन जहन्नुम पहुंच गया। अब छाया का बदला पूरा हो चुका था, इसीलिए उसने अपने पिता के सपने में आकर उन्हें अपने साथ हुई सारी घटना बता दी और अपने पार्थिव शरीर के तालाब में होने के बारे में भी बताया। अगले दिन छाया के पिता ने गांव वालों को इस सपने के बारे में अवगत कराया। गांव वालों ने गोताखोर की मदद से छाया का पार्थिव शरीर ढूंढ लिया। छाया के शरीर का रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। धीरे धीरे सारे इलाके में छाया के अंग्रेजों से बदला लेने की बात फैल गई। लोगों ने उसकी बहादुरी को सम्मानित करते हुए उसकी बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई। अब लोग छाया से प्रेरित होने लगे थे। वे गोरे अंग्रेजों के पीछे हाथ धो कर पड़ गए। इस तरह छाया के द्वारा लगाई गई चिंगारी अंगार बन उठी। देखते ही देखते 1947 में हमारा प्यारा देश आजाद हो गया। तो देखा दोस्तों, हमने अपनी आजादी के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। अपने देश से प्यार करें। ऐसी ही और मजेदार कार्टून कहानियां देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।